Okay, so we are doing to going to configure the basic configuration on ASA. जैसे कि configuring interface on ASA. What are the show commands you can use? And what is the default behavior? Today we are going to discuss these three things. आप ASA के एक इंटरफेस पे IP किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, शो कमांड्स आप क्या क्या यूज कर सकते हो IP चेक करने के लिए या फिर राउटिंग टेबल चेक करने के लिए, और उसके बाद डिफॉल्ट बिहेवियर. ठीक है, नाउ बिफोर डिस्कसिंग दीज थिंग्स we will discuss ASA hardware series and software series. जैसे कि जब भी आप किसी राउटर पे काम करते हो तो राउटर के मॉडल्स बताओ कुछ मुझे. 1800 सीरीज, 7200 सीरीज, ये क्या है आपके डिवाइस के हार्डवेयर मॉडल, हार्डवेयर मॉडल. अब जब भी आप कोई राउटर यूज करते हो डिवाइस का मॉडल क्या है आप वो पता लगाते हो हार्डवेयर मॉडल से, और डिवाइस पे क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है वर्जन, iOS सॉफ्टवेयर वर्जन, जैसे कि 12.x और 15.x. तो ASA पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ASA के हार्डवेयर सीरीज और सॉफ्टवेयर वर्जन्स, कि कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है, आपको कौन कौन वर्जन पे काम करना है. तो पहले डिस्कस करते हैं हार्डवेयर सीरीज. सबसे पहले सिस्को ने डेवलप किए थे आपके 5500 सीरीज डिवाइसेस. जो सबसे पहले डिवाइस इंट्रोड्यूस किए थे वो है आपके 5500 सीरीज. ये आपकी सीरीज का नाम है. इसमें आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस मिलेंगे, जैसे कि 5505 5510 5515 5525 5585. डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी साइज, आपको ASA सिम स्मॉल नेटवर्क के लिए चाहिए, मीडियम नेटवर्क के लिए या फिर लार्ज नेटवर्क के लिए. यू कैन इंस्टॉल एनी ऑफ द 5500 सीरीज डिवाइस. ठीक है, 5500 सीरीज के बाद आपके डिवाइसेस आए थे सिस्को ASA 5500 X सीरीज डिवाइसेस. ठीक है, इन डिवाइसेस को हम ये भी बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस. अब इसको नेक्स्ट जनरेशन क्यों बोलते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट जब हम क्या डिस्कस करेंगे, फायर पावर. ठीक है, एक और सीरीज है थर्ड सिस्को फायर पावर. अब जब भी अगर किसी भी कंपनी में सिस्को का फायर पावर यूज हो रहा है, या तो वो होगा सिस्को ASA 5500 या फिर 55X सीरीज या फिर सिस्को फायर पावर. अभी आपको रियल टाइम में तीनों दिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. जो आपका लेटेस्ट है वो है सिस्को फायर पावर. सबसे पहले ASA ने सारे डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए थे किसमें, 5500 सीरीज में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 5505 5510 5515. आफ्टर दैट सारे डिवाइसेस किसमें इंट्रोड्यूस किए, 5500 एक्स सीरीज डिवाइस में. अब आगे आने वाले टाइम में 2-3 साल बाद जो भी डिवाइस आएगा वो कैसा होगा,
सिस्को फायर पावर, यह है आपकी हार्डवेयर वर्जन ऑफ सिस्को एएस। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले सिस्को ने इंट्रोड्यूस किए थे कौन से डिवाइस, 55 10 55 10 प्लस 55 20 55 40 55 100 सीरीज। उसके बाद सारे डिवाइसेस कौन से हैं, एक्स सीरीज डिवाइस नेक्स्ट जनरेशन, और आगे आने वाले टाइम में यहां पे नहीं है इस एक और थर्ड डायग्राम, ये आपका इसमें आपके केवल नेक्स्ट जनरेशन दिखाया, और आगे आने वाले टाइम में जो डिवाइस आएगा वो आपका कैसा है, सिस्को फायर पावर। देखिए आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप कौन से एएसए पे काम कर रहे हो, 55 55 और 100 सीरीज है या फिर नेक्स्ट जनरेशन है या फिर सिस्को फायर पावर, ठीक है। These are the hardware model of Cisco ASA. अब आप इन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करोगे iOS का, सॉफ्टवेयर वर्जन होंगे आपके पास, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका वर्जन 7.x, 7.1, 7.2, 7.3, उसके बाद आया आपके पास 8.x, इसमें है आपके पास 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, और जो लेटेस्ट अभी चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर वर्जन वो है 9.x। ये स्टार्ट हुआ था आपका 9.1 से, अभी ये पहुंच चुका है आपका 9.9। सिक्स तो बहुत पुराना हो गया यार, एएसए में नहीं आया था वो, एएसए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करोगे, मेक श्योर जो आपका एएसए का सॉफ्टवेयर वर्जन है वो किससे हायर हो, 8.4 से। आपके सिलेबस में और रियल टाइम में जो भी एएसए यूज हो रहा होगा वो कौन सा होगा, 8.4 एंड अबव, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू ऑल द प्रैक्टिकल्स ऑन 9.6 यूएनएल पे या फिर ईव पे, ठीक है। ये क्लियर वर्जन, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है एएसए पे तो मेक श्योर आपका वर्जन 8.4 एंड अबव, ठीक है। हार्डवेयर मॉडल में अगर आपको प्रैक्टिकल करना है एनबी की लैब में, आपको डिवाइसेस मिल जाएंगे 55 25 तक जो आपके सीसीएनपी रैक्स में लगे हुए हैं, ठीक है। मेनली फर्क पड़ता है आपका सॉफ्टवेयर वर्जन से अगर आप ईयू पे प्रैक्टिकल करो तो, इतना क्लियर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्जन। एक और चीज डिस्कस करनी है स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकल, एएसए मोड एंड एएसए टाइप। जब भी आप किसी एएसए का कंसोल लो आपको पता होना चाहिए कि एएसए किस टाइप में कंफिगर्ड है और क्या एएसए का मोड है। मैंने कल आपको दो फीचर बताए थे, पहला फीचर लेयर 3 और लेयर 2 इंप्लीमेंटेशन, दूसरा फीचर था सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। याद है सभी को, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल मोड,
जब भी आप किसी ASA को कॉन्फ़िगर करो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ASA किस मोड में है और ASA का टाइप क्या है। ASA का टाइप किस चीज से पता लगेगा आपको, कि आपने ASA को लेयर 2 में डिप्लॉय किया या फिर लेयर 3 में। ASA का मोड पता चलेगा किससे, कि आपने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाए है या नहीं। इतना क्लियर? तो पहले डिस्कस करते हैं हम ASA के मोड्स। ASA के दो मोड हो सकते हैं आपका, एक तो सिंगल मोड या फिर मल्टीपल मोड। अगर आप ASA को यूज कर रहे हो एज ए सिंगल डिवाइस तो मोड कौन सा होगा, सिंगल मोड। अगर आपने ASA पे क्या बना रखे हैं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, तो ASA का मोड क्या होगा, यूजिंग ASA टू मेक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। इतना क्लियर? ASA के मोड दो होते हैं आपका, एक सिंगल मोड और एक मल्टीपल मोड। सिंगल मोड में जो आपका ASA है वो केवल एक सिंगल डिवाइस के तरीके से काम करेगा। अगर आपने मल्टीपल मोड में डिप्लॉय किया तो आप डिपेंड करता है कितनी मल्टीपल फायरवॉल्स बनाना चाहते हो। क्लियर? बाय डिफॉल्ट ASA मोड इज सिंगल मोड। जो ASA का मोड होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है सिंगल मोड। अगर कभी आपको कंफर्म करना हो तो आप कमांड यूज कर सकते हो शो मोड। मतलब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम डिवाइस को पावर ऑन करेंगे, सबसे पहले हम क्या मेक श्योर करेंगे कि डिवाइस का क्या है मोड, क्या है डिवाइस का, सिंगल मोड है या फिर मल्टीपल मोड। क्लियर? ASA मोड डन। नाउ ASA टाइप। ASA टाइप कैसे पता चलेगा, लेयर टू इंप्लीमेंटेशन और लेयर 3। ASA टाइप, ASA के दो टाइप हो सकते हैं, एक तो राउटेड मोड फायरवॉल या फिर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। राउटेड फायरवॉल का मतलब क्या है, डिप्लॉयड एज लेयर 3 डिवाइस इन दी नेटवर्क। जिस तरीके से आप राउटर को डिप्लॉय करते हो नेटवर्क में, उसी तरीके से आपने फायरवॉल को डिप्लॉय किया। डिवाइस इज कंसिडर्ड एज नेक्स्ट हॉप इन दी नेटवर्क। जैसे कि अगर आपको कोई राउट कॉन्फ़िगर करना है तो आप ASA की आईपी को क्या कंसिडर कर सकते हो, एज ए नेक्स्ट हॉप। जैसे आप जो भी फीचर आपके पास राउटर पे सपोर्टेड है ना लेयर 3 पे, वही सारे फीचर होंगे आपके पास कहां पे, अगर ASA आपका किस टाइप में है, राउटेड फायरवॉल। ठीक है, राउटेड फायरवॉल में जो भी मैंने कल आपको फीचर बताए थे, ऑलमोस्ट ऑल दी फीचर्स आर सपोर्टेड। अगर आपको राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डिवाइस को डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी क्लाइंट, डीएससीपी की सर्विसेज है वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है वीपीएन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नेट कॉन्फ़िगर करना है नेट भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जितने भी फीचर आपके सपोर्टेड हैं, सारे फीचर हैं आपके अकॉर्डिंग टू राउटेड फायरवॉल। अगर आपने राउटेड फायरवॉल से कहीं पे भी डेविएट किया
तो आपके कुछ फीचर क्या हो जाएंगे, अनसपोर्ट। ठीक है, पहला टाइप है आपका राउटेड फायरवॉल, जिसमें कि आप डिवाइस को यूज करते हो एज लेयर थ्री डिवाइस, जैसे कि अगर आपके पास सिनेरियो है R1, R2, R3, यहां पे आईपी है 2.1, यहां पे आईपी है 2.1.10, 2.10। आप इस राउटर पे नेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये दो नेटवर्क को ब्रेक कर रहा है, आप इस पे राउटिंग भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी सारे फीचर है आपके पास राउटर पे, आप इस राउटर को हटा के क्या लगा सकते हो यहां पे, एक ASA। ठीक है, ये किस तरीके से काम करेगा, एज लेयर थ्री डिवाइस, पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल। ठीक है, तो मेनली जो भी प्रैक्टिकल हमें करना है हम प्रैक्टिकल करेंगे ASA के किस टाइप पे, राउटेड फायर। दूसरा टाइप होता है आपका ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, इसमें क्या होता है, आप फायरवॉल को डिप्लॉय करते हो एज लेयर टू डिवाइस इन दी नेटवर्क। ठीक है, यू हैव सेम नेटवर्क ऑन बोथ साइड ऑफ ASA। जैसे कि अगर आपके पास स्विच है, स्विच के इस साइड R1 और इस साइड R2, तो दोनों राउटर्स पे कैसे सबनेट का IP होगा, सेम सबनेट का। स्विच पे आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो, VLANs। स्विच जब भी पैकेट को फॉरवर्ड करता है तो क्या चेक करता है, मैक एड्रेस टेबल। तो अगर आपने ASA को ट्रांसपेरेंट मोड में डिप्लॉय किया तो आप ASA को कंपेयर कर सकते हो किससे, स्विच से। पैकेट को फॉरवर्ड करेगा मैक एड्रेस टेबल को यूज करके, कभी भी ये ऐसे नेक्स्ट हॉप यूज नहीं होगा, क्योंकि इस डिवाइस के पास क्या नहीं होता, कोई भी IP। ये अलग से पूरा एक टॉपिक है फायरवॉल का, तो तब डिस्कस करेंगे डिटेल में ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अभी मेनली मेरे को आप बताना था, एक तो ASA का सिंगल मोड और ASA का राउटेड फायरवॉल, क्योंकि जब भी आप बाय डिफॉल्ट ASA को बूट करोगे तो मोड क्या होगा, सिंगल, और टाइप क्या होगा, राउटेड। एंड हाउ कैन यू कंफर्म वेदर द टाइप इज राउटर और ट्रांसपेरेंट, बाय डिफॉल्ट फायरवॉल टाइप इज राउटेड, कंफर्म करने के लिए कमांड है शो फायर। एटलीस्ट आपको सबसे पहले ये दो कमांड पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि मान लो आपने ASA को इनिशियलाइज किया, बूट किया, और आप ASA के इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हो, IP एड्रेस, और ASA उस कमांड को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ASA पे आप IP कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ये डिपेंड करेगा कि आपका ASA सिंगल मोड में है या फिर मल्टीपल मोड में, या फिर ASA राउटेड टाइप है या फिर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि फीचर आपके बदल जाते हैं अगर आपने मोड को डेविएट किया या फिर ASA के टाइप को चेंज किया तो। इतना क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑन एन ASA। अब हम ASA को नेटवर्क में क्या करेंगे, डिप्लॉय। वी आर गोइंग टू मेक ए सिंपल सिनेरियो, R1, ASA एंड R2। वी आर गोइंग टू मेक दिस सिनेरियो ऑन EU। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन ASA के मोड में और ASA के टाइप में?
एक सिंगल डिवाइस यूज करना है तो सिंगल मोड, मल्टीपल फायरवॉल बनानी है तो मल्टीपल मोड, चेक करने के लिए कमांड क्या है शो मोड, एएसए का टाइप चेक करने के लिए कमांड क्या है शो फायरवॉल, ठीक है। लेट्स मेक ए सिनेरियो ऑन ईव, पहला टास्क होगा कॉन्फ़िगरिंग इंटरफेस ऑन एन एएसए। कॉन्फ़िगरिंग एन इंटरफेस ऑन सिस्को एएसए। Add a new lab, ASA, basic. जब भी आप ASA सिलेक्ट करोगे कौन सा ASA सिलेक्ट करोगे, ASA V और इमेज 9.6। ASA और तीन राउटर, राउटर के लिए IOL। यहां पे आपको दो इमेजेस मिलेगी, ये स्विच की इमेज और ये राउटर की। राउटर हमें चाहिए कितने, तीन। R1 पे IP कॉन्फ़िगर करेंगे 1.1, ASA पे 1.10, ये क्लियर है ना क्या आईपी कंप्लीट है 192.168.1.10। इधर आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे हम 2.10 और इधर 2.1। तो पहला टास्क क्या है, इन तीन डिवाइसेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करो अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम। This is the first task. Con-
configure IP address on R1, R3 and ASA as per diagram. ठीक है, पावर ऑन कर लो डिवाइसेस को. R1, R3 और ASA. R1 पे IP configured, do show IP interface brief 192.168.1.1. ठीक है, R3 0x0 IP address 2.1. सेव कर लो IP address, do write. अब जब हम ASA पे IP कॉन्फ़िगर करेंगे, ASA के इंटरफेस है गिग इंटरफेस, गिग 0x0 और 0x1. ठीक है, कॉन्फ़िगर करते हैं IP किस पे, इंटरफेस गिग 0x0. जिस तरीके से आपने राउटर पे IP कॉन्फ़िगर किया था, दो चीजें की हैं आपने, एक तो इंटरफेस को नो शट और एक IP कॉन्फ़िगर. वही दो चीजें करते हैं हम इंटरफेस पे, नो शट और आईपी एड्रेस 192.168.1.10. ठीक है, ये वाला इंटरफेस है 1.10 और ये वाला इंटरफेस 2.10. देखो इधर, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये आपका ASA का कंसोल, जैसे आपका राउटर का कंसोल था, इनेबल मोड, प्रिविलेज एक्सेक मोड, कॉन्फ़िगर मोड, सेम वही तीन मोड आपके पास. होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड सेम है, होस्ट नेम ASA1. अब हम ASA पे कॉन्फ़िगर करते हैं क्या, 0x0 इंटरफेस. कमांड वही है सेम, जैसे कि राउटर पे होती है, इंटरफेस है 0x0 इंटरफेस गिग 0x0. नो शट करने के लिए कमांड सेम है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड सेम है, 192.168.1.10. हो गया कॉन्फ़िगर आईपी. अभी हमने किस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया, 0x0. क्या अभी हम R1 से इस IP को पिंग कर पाएंगे? अगर IP कॉन्फ़िगर हुआ है तो पिंग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं. तो पिंग करके देखते हैं R1 से एक बार ASA को. क्या हुआ पिंग? नहीं.
अगर आपने ASA के एक इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया है और ASA को इंटरफेस को क्या किया है, इनेबल, केवल आपने ये दो काम किए हैं, तो ASA का इंटरफेस क्या नहीं हुआ अभी आपका अप या फिर इनेबल स्टेट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप ASA के किसी भी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करोगे आपको इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन भी बतानी पड़ेगी। जैसे कि मैं एक सिंपल चीज बताऊं आपको, कल मैंने आपको बताया था स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब क्या होता है, जो भी डिवाइस स्टेटफुल होगा उसको पता होगा कि कौन सा इनसाइड नेटवर्क है और कौन सा आउटसाइड। अगर हम केवल ASA के एक इंटरफेस पे नो शट कर दे और आईपी कॉन्फ़िगर कर दे, क्या ASA को पता लगेगा कौन सा इंटरफेस इनसाइड है या फिर कौन सा इंटरफेस आउटसाइड? नहीं। तो जब भी आप ASA का इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो आपको क्या बताना पड़ता है कि ASA का इंटरफेस इनसाइड नेटवर्क से बिलोंग करता है या फिर आउटसाइड नेटवर्क से। इतना क्लियर? केवल आईपी कॉन्फ़िगर करने से काम नहीं चलेगा। अगर केवल आईपी कॉन्फ़िगर किया, दिस ASA इंटरफेस इज नॉट इन वर्किंग स्टेट, ये इंटरफेस कोई भी पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्लियर? तो नाउ लेट अस सी व्हाट व्हाट थिंग वी हैव टू कॉन्फ़िगर ऑन ASA इंटरफेस। पहली चीज, इनेबल दी इंटरफेस। दूसरा, कॉन्फ़िगर दी आईपी एड्रेस जो अभी हमने काम कर लिया। उसके बाद कॉन्फ़िगर ए नेम, ठीक है, और उसके बाद कॉन्फ़िगर और या फिर आप बोल सकते हो असाइन ए सिक्योरिटी लेवल। जब भी आप ASA के किसी भी इंटरफेस को इनेबल करोगे तो कितनी चीजें एटलीस्ट आप कॉन्फ़िगर करोगे? 4। अगर राउटर है तो केवल 2। तो यहां पे आपके लिए ये दो टर्म नहीं है, नेम इफ और सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। तो पहले इस नेम इफ और सिक्योरिटी लेवल का मतलब समझते हैं, क्या मतलब है इसका। हम स्टार्ट करते हैं किस ऑप्शन के साथ, कॉन्फ़िगर दी आईपी एड्रेस। जब भी आप इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो राउटर के, तो क्या कमांड यूज करते हो आप, आईपी एड्रेस, आईपी बताते हो और उसके बाद सबनेट मास्क। अब जब भी आप ASA पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे तो आप केवल यहां पे भी एंटर कर सकते हो या फिर आईपी एड्रेस आईपी के साथ क्या बता दो, मास्क। स्पेसिफाइंग सबनेट मास्क ऑन ASA इज ऑप्शनल, स्पेसिफाइंग सबनेट मास्क इज नॉट मैंडेटरी ऑन सिस्को ASA। आपके ऊपर आप बताना चाहते हो या नहीं। इफ सबनेट मास्क इज नॉट स्पेसिफाइड ASA विल ऑटोमेटिकली असाइन क्लास फुल सबनेट मास्क। देखो सबनेट मास्क तो कॉन्फ़िगर होगा ही होगा, अगर आपने असाइन नहीं किया तो ASA क्या करेगा, अपने आप जिस भी क्लास का आईपी है वो सबनेट मास्क क्या कर देगा, असाइन। अगर आपको क्या बोलते हैं क्लासलेस कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस को, तो आप क्या कर सकते हो, आईपी एड्रेस के साथ क्या बता सकते हो, सबनेट मास्क। इफ सबनेट मास्क इज स्पेसिफाइड the ASA
विल यूज द स्पेसिफाइड सबनेट मास्क। जो भी सबनेट मास्क आपने बताया होगा ASA उस मास्क को यूज करके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर देगा। इतना क्लियर? ASA पे जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है शो कमांड की या फिर कोई भी चीज कॉन्फ़िगर करना, इट इज मच इजियर देन राउटर। मतलब अगर आप ASA को कॉन्फ़िगर कर लोगे एक दो दिन के लिए तो उसके बाद ASA की कमांड्स आपको इजी लगेंगी। बस ये अगर आपको समझ में आ जाए तो नेवी फॉर सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। शो की कमांड्स भी इजी है, कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, ये पॉइंट क्लियर। कॉन्फ़िगर किस तरीके से कर सकते हो आप आईपी एड्रेस, दिखा देता हूं आपको ASA पे। इंटरफेस किक 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.10। देखो बिना सबनेट मास्क बताए भी आप क्या कर सकते हो, एंटर। अगर आपने बिना सबनेट मास्क बताए एंटर किया तो ASA क्या करेगा, क्लास फुल यूज कर लेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने ASA के 0/1 पे एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया 1.1.1.1, क्या सबनेट मास्क होगा, क्लास द सबनेट मास्क विल बी ऑफ क्लास ए। शो रन इंटरफेस किक 0/1, क्या सबनेट मास्क है, क्लास ए का। अगर मैंने इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया 0/1 आईपी एड्रेस 1.1.1, अब क्या सबनेट मास्क लेगा, जो सबनेट मास्क एडमिन ने डिफाइन किया। शो रन इंटरफेस गिग 0/1, इतना क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन कॉन्फ़िगरिंग द आईपी एड्रेस। अब इसके बाद ऑप्शन है कॉन्फ़िगर द नेम। नेम इफ, अब नेम इफ क्या है, इट इज ए लॉजिकल नेम गिवन टू ईच इंटरफेस ऑफ ASA। ये एक लॉजिकल नाम है, आप कोई भी नाम कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसी भी ASA के इंटरफेस पे। यू कैन कॉन्फ़िगर एनी नेम टू इंटरफेस बट कैन नॉट असाइन सेम नेम ऑन टू इंटरफेस। आप सेम नाम को दो इंटरफेस पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्लियर। अब इस नाम का फायदा क्या होगा, विथ दिस नेम यू कैन इजीली गेट और यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट which interface of ASA is connected to inside network and which interface is connected to outside network। इतना क्लियर। जब भी आप ASA पे किसी भी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करोगे ASA के इंटरफेस पे आप क्या दोगे, एक नाम, कोई भी एक लॉजिकल नाम। इट इज कंपल्सरी, विदाउट नेम द ASA इंटरफेस विल नॉट बी इन फंक्शनलिंग स्टेट। अगर आप ASA के इंटरफेस पे नेम इफ कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो ASA का इंटरफेस डेटा पैकेट है उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। रुक जाओ, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली used
names are inside, outside and DMZ. Inside का मतलब connected to inside network, outside connected to internet or DMZ. DMZ एक ऐसा जोन होता है जहां पे कनेक्टेड होते हैं आपके सर्वर, कनेक्टेड टू दी सर्वर्स विच आर पब्लिक. ऐसा कोई सर्वर है आपकी कंपनी में जो कि आपका पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप उसको क्या करते हो, एक अलग से इंटरफेस बनाते हो DMZ और वहां से क्या देते हो एक्सेस. अब क्या मतलब होता है इसका, क्यों बनाते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, रियल टाइम में मेनली आपको ये तीन नेम ही मिल सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और DMZ. इतना क्लियर. जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें ये इनसाइड कॉन्फ़िगर करेंगे हम, ये आउटसाइड और ये DMZ. ये बस एक नाम है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि इस इंटरफेस से कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, इस इंटरफेस से कौन से डिवाइसेस. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इनसाइड आउटसाइड ही होगा, आप ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ए बी सी कोई भी एक नाम हो सकता है. ठीक है, इस नाम से ASA को कोई फर्क नहीं पड़ता. इस नाम से बस आप क्या पता लगा रहे हो कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है. इतना क्लियर. विद द हेल्प ऑफ नेमिफ यू कैन अप्लाई पॉलिसी ऑन इंटरफेस. जैसे कि मान लो आपने कोई ACL क्रिएट की, ACL अप्लाई करनी है, तो ACL अप्लाई करने के लिए आप हमेशा इंटरफेस का नाम यूज करोगे, ना कि इंटरफेस का नंबर. आपको कोई भी पॉलिसी अप्लाई करनी है इंटरफेस के नंबर पे, इंटरफेस के नंबर की जगह आप क्या यूज करोगे, लॉजिकल नाम. केवल एक ये यूज है इंटरफेस के NMIF का. वेर एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई एनी पॉलिसी, ACL, VPN, route, anything, you are going to use interface name instead of interface number. Router की तरह नहीं है कि जैसे कि आप इंटरफेस FA0/0 में गए और IP access group command चला दी, ऐसा नहीं है. Whenever you are applying any policy on the ASA, हमेशा याद रखना आप क्या use करोगे, interface का name. एक ये काम है बस interface के name का. Clear? पहला काम तो ये है कि आप ये पता लगा सकते हो कौन से इंटरफेस, कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और अगर फ्यूचर में आपको कोई भी पॉलिसी अप्लाई करनी हो इस इंटरफेस पे, तो आप ये नाम यूज करोगे इंस्टेड ऑफ इंटरफेस नंबर. जब प्रैक्टिकल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको. ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, नेमिफ का क्या यूज है ASA पे, कोई भी एक लॉजिकल नाम है जिससे कि बस आप पता लगाओगे कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है. साथ के साथ अगर आपको कोई भी पॉलिसी अप्लाई करनी है तो आप इंटरफेस का नाम यूज करोगे. इंटरफेस नेमिफ इज नेवर यूज्ड बाय ASA टू डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड द पैकेट और नॉट. ASA कभी भी इंटरफेस के नाम से ये डिसाइड नहीं करेगा कि पैकेट को फॉरवर्ड करे या ना करे. जैसे कल मैंने आपको बताया था स्टेटफुल में क्या होता है, इनसाइड से आउटसाइड सारा ट्रैफिक इंस्पेक्ट हो जाता है, बाहर भी चला जाएगा और वापस भी आ जाएगा. इतना क्लियर. अब अगर आपने ASA पे यहां पे इनसाइड कॉन्फ़िगर कर दिया और यहां पे आउटसाइड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनसाइड से जो भी ट्रैफिक जाएगा वो वापस आ जाएगा और आउटसाइड से जो ट्रैफिक इनिशिएट होगा वो ड्रॉप हो जाएगा. ASA कभी भी इंटरफेस के नेम से ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि पैकेट को फॉरवर्ड करे या ना करे.
दो काम है बस जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अगर आपको कोई भी पॉलिसी लगानी है तब यूज होगा, या फिर आपको पता लगाना है कि वो इंटरफेस किस तरीके के डिवाइसेस से कनेक्टेड है, इनसाइड आउटसाइड या फिर डीएमजेड। केवल दो काम है, एएसए पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए कभी भी इंटरफेस के नेम को यूज नहीं करेगा, बस एक लॉजिकल नाम है बस ये। आप एबीसी कॉन्फ़िगर कर लो या फिर इनसाइड आउटसाइड। इतना क्लियर? टू कॉन्फ़िगर ए नेम इफ ऑन इंटरफेस, आप क्या कमांड यूज करोगे? इंटरफेस 0x0 और यहां पे एक कमांड होती है नेम। यहां पे जो नाम आप कॉन्फ़िगर करना चाहो वो नाम आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इनसाइड आउटसाइड या फिर डीएमजेड ही यूज कर सकते हो, कोई भी नाम आप असाइन कर सकते हो। कमांड क्या होगी? नेम। दिखा देता हूं आपको कॉन्फ़िगर करके। इंटरफेस गिग 0x0 कमांड है नेम इफ, नेम इफ क्या एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट हो गया। कंफर्म करने के लिए शो रन इंटरफेस गिग 0x0 हो गया कॉन्फ़िगर। अगर आपने किसी इंटरफेस के नेम इफ कॉन्फ़िगर नहीं किया तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, नो नेम इफ। अभी मैंने एएसए पे किस इंटरफेस पे लॉगिन किया था, 0x0, और वहां पे क्या कमांड यूज की थी, नेम इफ। जैसे ही आपने नेम इफ कमांड चलाई तो एएसए पे क्या हो जाएगा, इंटरफेस का नेम इफ कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने कोई नेम इफ कॉन्फ़िगर कर दिया उसके बाद आपका इंटरफेस कैसी स्टेट में आ जाएगा, वर्किंग स्टेट में। अब अगर आप पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा, अगर सही आईपी कॉन्फ़िगर्ड है तो। हो गया पिंग? इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर, सॉरी नेम इफ कॉन्फ़िगर करने के बाद आप एएसए के इंटरफेस को पिंग कर पा रहे हो। विदाउट नेम इफ आप एएसए के इंटरफेस को पिंग नहीं कर सकते। कंफर्म करने के लिए देखो इंटरफेस गिग 0x0 इंटरफेस पे गए और क्या कमांड चला दी, नो नेम इफ। अब आप इस इंटरफेस को पिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप एएसए के इंटरफेस को वर्किंग स्टेट में लाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट कितनी चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, एटलीस्ट आपको कॉन्फ़िगर करना है नो शट करना है इंटरफेस को, आईपी कॉन्फ़िगर करना है, और क्या कॉन्फ़िगर करना है, नेम इफ। अब ये सिक्योरिटी लेवल मैंडेटरी क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप नेम इफ कॉन्फ़िगर करते हो एएसए अपने आप क्या कॉन्फ़िगर कर देता है, सिक्योरिटी लेवल। इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं, लेकिन आप यहां देखो जब हमने एएसए के इंटरफेस पे ऊपर नेम इफ कॉन्फ़िगर किया था, जैसे ही आपने नेम इफ कॉन्फ़िगर किया तो अपने आप देखो यहां पे इंफॉर्मेशनल मैसेज आया, सिक्योरिटी लेवल फॉर ए सेट टू 0 आएगा अभी आगे, अगला पॉइंट वही है, ठीक है। अगर आपको एएसए का इंटरफेस अप लाना है तो एटलीस्ट आपको कितनी चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, 3, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी लेवल है ये किस पे डिसाइड होगा, नेम इफ पे। डिस्कस करते हैं अब सिक्योरिटी लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर रियल टाइम। अगर आप ने लिखा है अपने रेज्यूमे में कि मुझे एएसए आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, बताओ डिफॉल्ट बिहेवियर, डिफॉल्ट बिहेवियर और नेम इफ का क्या मतलब है, या फिर सिक्योरिटी लेवल का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप डिस्कस करते हैं हम सिक्योरिटी लेवल।
सिक्योरिटी लेवल डिस्कस करने से पहले आप ये बताओ ये क्या है, सीसीएनए में पढ़ा होगा आपने क्या? नहीं, क्या बोलते हो आप इसको? ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ ए राउट, कि जो भी आपके पास राउट है आप उस राउट को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, ठीक है। अब सेम जब आप एएसए पे क्या कॉन्फ़िगर करते हो, सिक्योरिटी लेवल, ये क्या बताता है, इट डिफाइंस द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ इंटरफेस, कि जो आपका इंटरफेस है आप उस इंटरफेस पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। जैसे कि अगर हम ये सिनेरियो ले, अगर ये वाला इंटरफेस मेरे इनसाइड नेटवर्क से कनेक्टेड है देन यू कैन ट्रस्ट दिस इंटरफेस, या फिर ये जो नेटवर्क है आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रस्ट। ये वाला जो इंटरफेस है आउटसाइड जहां से कि अटैक्स हो सकते हैं, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये वाला इंटरफेस क्या होगा, लीस्ट ट्रस्ट, ये वाला मोस्ट ट्रस्टेड, और ये ट्रस्ट भी है और नहीं भी है, इसलिए यहां पे अलग से एक इंटरफेस रखा है, इसको आप इग्नोर करो। अगर इनसाइड आउटसाइड की बात करें तो आप इनसाइड नेटवर्क को क्या करोगे, ट्रस्ट, क्योंकि ये आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है, और ये वाला आपका कैसा नेटवर्क है, अनट्रस्टेड, ठीक है। तो सिक्योरिटी लेवल से आप क्या डिफाइन करते हो, कि जो आपका इंटरफेस है वो इंटरफेस कैसे नेटवर्क से कनेक्टेड है, इट डिफाइंस द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ एन इंटरफेस, ठीक है। इट इज ए नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100 वेयर 0 इज लीस्ट ट्रस्टेड एंड 100 इज मोस्ट ट्रस्टेड। जब भी आप एएसए का कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे, एएसए का इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते वक्त आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल क्या बताएगा, कि वो आपका इंटरफेस ट्रस्टेड है या अनट्रस्टेड है, ठीक है। अब ट्रस्टेड है या नहीं, इसी के बेसिस पे एएसए क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड, क्लियर। बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी लेवल ऑफ इंटरफेसेस एएसए विल डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड द पैकेट और नो। सिक्योरिटी लेवल को ही हमेशा चेक करेगा एएसए पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए बाय डिफॉल्ट, तो फॉरवर्ड करेगा या नहीं ये हम डिस्कस करेंगे किस पॉइंट में, जब हम डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट बिहेवियर। इतना क्लियर। तो सिक्योरिटी लेवल का मेन काम क्या है, सिक्योरिटी लेवल का मेन काम है डिसाइड करना कि जो पैकेट आया मेरे पास उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है या नहीं, ठीक है। भाई तुम इससे ये बता रहे हो कि अगर यहां से कोई पैकेट आए तो उसको अलाउ करना है या नहीं, ये जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना ये वाला पॉइंट, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जो पॉइंट मैंने यहां पे रखा था आपके सामने, इनसाइड आउटसाइड, ये वाला इनसाइड है, ये वाला आउटसाइड है, एएसए कभी भी इनसाइड आउटसाइड से डिटरमाइन नहीं करेगा कि पैकेट को फॉरवर्ड करे या ना करे, एएसए डिटरमाइन करेगा किससे, जो सिक्योरिटी लेवल कॉन्फिगर्ड है, ठीक है। अगर एक इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल है 100 और दूसरे का 0, तो हायर टू लोअर सारा ट्रैफिक अलाउ, कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी लेवल के बेसिस पे एएसए डिसाइड करेगा कि पैकेट को फॉरवर्ड करे या ना करे। इतना क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो भैया यहां पे क्लियर हो जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट बिहेवियर। वैसे इतना क्लियर। एक नंबर है रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100,
सिक्योरिटी लेवल इज ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड एज यू कॉन्फ़िगर नेमिप ऑन द इंटरफेस। जैसे ही आप कोई भी नेमिप कॉन्फ़िगर करते हो तो ऐसे क्या करते हैं, अपने आप क्या कॉन्फ़िगर कर देता है, सिक्योरिटी लेवल। अब ऑटोमेटिकली जो सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर होता है वो दो सिक्योरिटी लेवल हो सकते हैं, या तो 100 या तो 0। तो किस तरीके से डिसाइड करेंगे, इफ नेमिप इज, अगर आपने नेमिप क्या कॉन्फ़िगर किया, इनसाइड, इफ नेमिप इज इनसाइड देन सिक्योरिटी लेवल विल बी 100 बाय डिफॉल्ट, अपने आप क्या कंफिगर हो जाएगा, सिक्योरिटी लेवल 100 फॉर एनी अदर नेम। आप इनसाइड के अलावा कोई भी नाम कंफिगर करो, द सिक्योरिटी लेवल विल बी 0। ये तो सिक्योरिटी लेवल है जो कि क्या होंगे, अपने आप कंफिगर, लेकिन आप इन सिक्योरिटी लेवल को क्या कर सकते हो, चेंज, अगर आप चेंज करना चाहो तो, ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी लेवल चेंज करना है, आप जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हुआ है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये कमांड यूज करके इंटरफेस गिग 0/0 सिक्योरिटी लेवल, इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी लेवल को कॉन्फ़िगर। यहां पे रेंज क्या है, 0 to 100। इतना क्लियर। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपका नेम इफ इनसाइड है तो सिक्योरिटी लेवल हमेशा क्या होगा, 100। बाय डिफॉल्ट 100 होगा। आप उसको इस कमांड से क्या कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो या फिर 20। आप अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी लेवल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपको सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर करना है तो कमांड क्या है, सिक्योरिटी लेवल, डन। सिक्योरिटी लेवल का काम क्या है, ऐसे पे अगर आप सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो इससे क्या फायदा होगा, इनसाइड आउटसाइड नहीं, एक मिनट भाई आराम से आप बताओ यार। हाँ और कुछ बताओ बताओ यार, आप पैकेट को फॉरवर्ड करना है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए ऐसे हमेशा क्या चेक करेगा, इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल, ट्रस्टवर्दीनेस। अब अगर आप R1 से R3 को पिंग करो, ऐसे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा या नहीं, R3 से R1 को पिंग करो, ऐसे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा या नहीं, बाय डिफॉल्ट ऐसे इसको डिटरमाइन करेगा, क्या चेक करके, कि पैकेट किस इंटरफेस से आया और किस इंटरफेस पे जा रहा है। इंटरफेस का जो नेम है वो कभी भी यूज नहीं करेगा डिसाइड करने के लिए कि पैकेट को फॉरवर्ड करे या ना करे। आप ऐसा भी कंफिगर कर सकते हो, यहां पे नेम इफ आउटसाइड और यहां पे नेम इफ इनसाइड, सिक्योरिटी लेवल 100, सिक्योरिटी लेवल 0। तो ऐसे सारा पैकेट कहां से अलाउ करेगा, आउट टू इन, ये नाम कभी भी यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेन जो चीज है पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए वो है आपका सिक्योरिटी लेवल। इतना क्लियर। ये चारों चीजें क्लियर। अब इनेबल इंटरफेस, कॉन्फ़िगर आईपी, कॉन्फ़िगर नेम इफ, सिक्योरिटी लेवल। नाउ लेट अस कॉन्फ़िगर 0/0 एंड 0/1। अब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ेगी। ये इंटरफेस होगा इनसाइड, और सिक्योरिटी लेवल 100। ये वाला इंटरफेस आउटसाइड और सिक्योरिटी लेवल
जीरो। ये वाला इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये वाला इंटरफेस में नेम इफ होगा डीएमजेड और आईपी एड्रेस 3.10। सबनेट क्या है 192.168.1.10, 192.168.2.10 और यहां पे 192.168.3.10। यहां पे 1.0 नेटवर्क है /24, यहां पे 2.0 और यहां पे 3.0 और यहां पे सिक्योरिटी लेवल हम कॉन्फ़िगर करेंगे 50। Done. So now let us configure these three interfaces on ASA. ये कमांड क्या है बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले कंफिगर करते हैं हम इंटरफेस गिग 0/0। सबसे पहले इंटरफेस को क्या किया, नो शर्ट। आप ये बताओ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते वक्त किसी भी इंटरफेस पे मुझे सबनेट मास्क बताने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों इंटरफेसेस पे आईपी क्या है, क्लास सी का, तो सबनेट मास्क क्या होगा, क्लास सी। तो आईपी एड्रेस 192.168.1.10 और क्या कर दो एंटर। इस इंटरफेस पे नेम इफ कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, नेम इफ। नेम ही फॉर नाम, कोई भी एक नाम, ये देखो बता भी रहा होगा, ए नेम बाय विच दिस इंटरफेस विल बी रेफर्ड इन ऑल अदर कमांड। जब भी आपको इस इंटरफेस पे कोई भी पॉलिसी बनानी है, लगानी है, तो आप क्या यूज करोगे, इंटरफेस का नेम इंस्टेड ऑफ इंटरफेस नंबर। नेम इफ दे दिया इनसाइट। अब जैसे ही मैं इनसाइट नेम इफ कॉन्फिगर करूंगा, सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 100। सिक्योरिटी लेवल फॉर इनसाइड सेट टू 100। क्या मुझे ये चेंज करना है? नहीं। चेंज करना हो तो क्या चेंज कर सकते हैं? क्या कमांड है, सिक्योरिटी लेवल, ये कमांड है। रेंज क्या है, 0 to 100। अभी चेंज नहीं करना हमें। शो रन इंटरफेस गिग 0/0। देखो ASA पे आप शो कमांड्स कहां से चला पा रहे हो, ग्लोबल मोड से। जरूरी नहीं है कि आप एग्जिट करो फिर ही कमांड चलाओ। तो इंटरफेस गिग 0 पे हमने इंटरफेस का नेम इफ दिया, सिक्योरिटी लेवल अपने आप कॉन्फ़िगर हो गया, आईपी कॉन्फ़िगर किया और अपने आप मास्क कॉन्फ़िगर हो गया। अब अगर आप ASA से R1 को पिंग करोगे 192.168.1.1 तो पिंग हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ इंटरफेस इज इन वर्किंग स्टेट। अब कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस 0/1 विच इज आउटसाइड इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस 0/1, नो शट डाउन। अब आप आईपी कॉन्फ़िगर कर लो पहले या फिर नाम कॉन्फ़िगर कर लो, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप पहले आईपी कॉन्फ़िगर करो उसके बाद नाम। तो नाम पहले कॉन्फ़िगर कर देते हैं आउटसाइड, अपने आप सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, इधर वाले नहीं बोल रहे यार, अलग अलग बैच है, ऐसा तो नहीं है ना। नेम इफ देखो सिक्योरिटी लेवल अपने आप क्या कॉन्फ़िगर हो गया, 0। क्या हमें इस इंटरफेस के लिए मॉडिफाई करना है, नहीं करना। आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, आईपी है 192.168.2.10, show run interface gig 0/1, name if outside security level 0 और IP address 2.10। अगर आप R3 को ping करोगे तो ping हो जाएगा।
अभी आप यहां से R1 को भी पिंग कर सकते हो और R3 को, क्यों? क्योंकि आपने ये दोनों इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर दी। अब लेट अस कॉन्फ़िगर 0/2। इंटरफेस इफ 0/2, नो शटडाउन, नेम इफ DMZ, बाय डिफॉल्ट कितना सिक्योरिटी लेवल आया? 0। कमांड सिक्योरिटी लेवल 50। आईपी एड्रेस 3.10। चेक करने के लिए कमांड शो रन इंटरफेस गिग 0/2, सिक्योरिटी लेवल 50, नेम इफ DMZ। अब यहां से अगर आपको R2 पिंग करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? R2 को कॉन्फ़िगर, R2 अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। इंटरफेस 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस 192.168, क्या आईपी कॉन्फ़िगर करना है? 3.1। यहां से अगर आप पिंग करोगे ASA को तो पिंग हो जाएगा, हो गया पिंग। तो इस तरीके से आप ASA को अपने नेटवर्क में क्या कर सकते हो? डिप्लॉय। नेटवर्क में डिप्लॉय करने के लिए आपको एटलीस्ट क्या कॉन्फ़िगर करने हैं? ASA के इंटरफेसेस, और ASA के एक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ये चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। किसी को किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन? अभी तक बस ये पॉइंट वेरीफाई नहीं हुआ कि इसका काम क्या है। ये वेरीफाई होगा जब हम क्या डिस्कस करेंगे? डिफॉल्ट बिहेवियर। जब भी आप ASA से कोई डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करोगे तब वेरीफाई होगा सिक्योरिटी लेवल। टू द डिवाइस के लिए ASA कभी भी क्या चेक नहीं करेगा? सिक्योरिटी लेवल। अभी आप R1 से ASA को पिंग कर लो, पिंग हो जाएगा। R3 से ASA को पिंग कर लो, हो जाएगा। R2 से पिंग कर लो, हो जाएगा। सिक्योरिटी लेवल कब चेक होगा? जब कोई डेटा ट्रैफिक पास होगा। डेटा ट्रैफिक का मतलब क्लियर? ऐसा कोई भी ट्रैफिक जो ASA के लिए नहीं है, ठीक है? इतना क्लियर? ठीक है, तो जो पहला टास्क था हमारा कॉन्फ़िगरिंग इंटरफेस ऑन ASA इज डन। ठीक है, दो नई चीजें थी, इंटरफेस का नेम ही फॉर, इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल। अब डिस्कस करते हैं कुछ शो कमांड जो कि आप डे टू डे लाइफ में चलाते हो राउटर पे। पहली कमांड टू चेक द आईपी एड्रेस। जब भी आप राउटर पे आईपी एड्रेस चेक करते हो तो क्या कमांड चलाते हो? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ASA पे चला के देखते हैं ये कमांड। सवाल पूछो तुमसे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या हुई कमांड एक्सेप्ट? नहीं। इसका मतलब कमांड सिंटैक्स सेम नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। कमांड चेक इंटरफेसिस की आईपी चेक करनी है तो कमांड क्या होगी? शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। बस आईपी और इंटरफेस को आप स्वैप कर दो, ठीक है? शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड नहीं है। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ कमांड, ये कमांड है आईपी एड्रेस चेक करने के लिए। आप चेक कर सकते हो 0/0 पे, 0/1 पे और 0/2 पे। 0/3 पे कोई आईपी है? नहीं। मान लो हमने 0/3 को कॉन्फ़िगर किया, जो स्टार्टिंग में हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी ना आईपी और नो शट, आईपी एड्रेस 2.2.2.2,
केवल अगर आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे इंटरफेस पे, इंटरफेस कभी भी आपको क्या नहीं दिखाएगा, दिखा दिया सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर है क्या, शो रन इंटरफेस गिग 0/3, पहले तो नहीं होता था ऐसा। पहले वाले वर्जन में अगर आप केवल आईपी कॉन्फ़िगर करोगे तो एएसए क्या नहीं दिखाता था, जो आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया इंटरफेस में, बदल दिया एएसए ने, चीजें बदलती रहती हैं नए नए वर्जन में, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करो जो बता रहा था मैं आपको, क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस 0/3। तो पहली कमांड तो है आईपी एड्रेस चेक करना है, तो आप चेक करोगे शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ कमांड से। अब शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ कमांड से आप क्या पता लगा लोगे इंटरफेस का आईपी, क्या आपको यहां पे कहीं पे ये चीज बता रहे कि इसका इंटरफेस का क्या नेम इफ है, क्या सिक्योरिटी लेवल है? नहीं, इसका मतलब सिक्योरिटी लेवल या फिर नेम इफ पता लगाने के लिए कोई अलग कमांड है, टू चेक दी नेम इफ एंड सिक्योरिटी लेवल, क्योंकि आपने एएसए के इंटरफेस पे नेम इफ भी कॉन्फ़िगर किया और सिक्योरिटी लेवल भी। सो द कमांड टू चेक व्हाट इज द सिक्योरिटी लेवल एंड व्हाट इज द नेम इफ, क्या कमांड है भाई, शो रन, वो तो शो रन हो गया ना, उससे तो आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हो, शो नेम, ठीक है। ये कमांड आप किस लिए यूज करोगे, अगर आपको किसी भी इंटरफेस का क्या चेक करना है, नेम इफ फॉर सिक्योरिटी लेवल, दिस कमांड इज यूज टू चेक बोथ नेम इफ एज वेल एज सिक्योरिटी लेवल। शो नेम, तीन इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है, 0/0 नेम इफ इज इनसाइड सिक्योरिटी लेवल इज 100, 0/1 आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल इज 0, DMZ सिक्योरिटी लेवल इज 50। ओके, तो अगर आपको आईपी चेक करना है तो कमांड है शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ और इंटरफेस का नेम इफ या फिर सिक्योरिटी लेवल शो नेम इफ। राउटर पे और कौन कौन सी कमांड यूज करते हो आप, टू चेक दी राउटिंग टेबल, सो आईपी राउट, एएसए पे ऑलमोस्ट सारी कमांड से क्या हटा देना है आपको आईपी, बाद में भी नहीं लगाना, शो राउट, दिस कमांड इज टू चेक दी राउटिंग टेबल। To check the running configuration, command होती है router पे show run, यहां पे भी command क्या है show run, बस यहां पे आप show run को अलग अलग part में divide कर सकते हो, जैसे कि to check the रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरफेसेस, अगर आपने शोरन कमांड चलाई तो एएसए क्या करेगा, आपको सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा जो भी चीजें कॉन्फ़िगर्ड है, शो रन, जो भी चीजें कॉन्फ़िगर्ड है वो सारी चीजें दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको केवल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में से पार्ट चेक करना है इंटरफेस का, तो आप क्या कमांड यूज कर सकते हो, शो रन इंटरफेस, शो रन इंटरफेस कमांड क्या करेगी, केवल आपको इंटरफेसेस का पार्ट दिखाएगी, कहां से, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से।
शो रन इंटरफेस। इसने स्टार्ट किया कहां से, 0x0 से, और एंड कर दिया कहां पे, मैनेजमेंट 0x0, और कोई पार्ट नहीं दिखाया रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से। इतना क्लियर। अब अगर आपको चेक करनी है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, टू चेक दी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरफेस, आपको सारे इंटरफेसेस की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखनी, आपको केवल एक पर्टिकुलर इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो क्या कमांड यूज कर सकते हो आप, शो रन इंटरफेस और इंटरफेस का नंबर। मतलब आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में से जो आप चीजें देखना चाहते हो उसको आप फिल्टर कर सकते हो बाय यूजिंग दी कीवर्ड आफ्टर शो रन। राउटर में ये नहीं होता, राउटर में आप कमांड नहीं चला सकते शो रन इंटरफेस। चल गई नहीं, चली कंप्लीट नहीं है कमांड, लेकिन आप राउटर पे क्या कर सकते हो, शो रन सेक्शन इंटरफेस। पता होना चाहिए आपको किस तरीके से चेक कर सकते हो। ये क्लियर, शो रन को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको ASA पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है तो आप कमांड यूज करते हो जो सेम कमांड आपकी राउटर पे होती है। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना हो, कमांड किससे स्टार्ट होती है, राउटर। ASA पे भी क्या कमांड होगी, राउटर। अगर आपको ASA पे एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करनी है तो क्या कमांड होगी, एक्सेस लिस्ट। अगर आपको ASA पे कोई स्टैटिक राउट ऐड करना है तो क्या कमांड होगी, राउट। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मान लो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से केवल क्या पार्ट चेक करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल का, तो आप क्या कमांड यूज कर सकते हो, शो रन राउटर। जो भी कीवर्ड आप कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज कर रहे हो वही कीवर्ड आप शो रन के बाद ऐड कर सकते हो। Whichever keyword you are using to configure the command, that keyword is available after show run. अगर routing protocol की configuration check करनी है तो show run router, अगर ACL check करनी है तो show run access list, अगर route check करने है तो show run route. Show run route और show route में क्या difference है, जैसे कि राउटर पे भी होता है शो आईपी राउट और शो रन सेक्शन आईपी राउट। ये देखो ना यार, राउटर पे मैंने एक कमांड चलाई शो आईपी राउट और एक कमांड चलाई शो रन सेक्शन आईपी राउट। क्या डिफरेंस है दोनों में, बिल्कुल सही। शो राउट दिखाएगा आपको पूरी राउटिंग टेबल डिवाइस की, शो आईपी राउट राउटिंग टेबल पूरी। अगर आपको आपने जो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किए हैं वो चेक करने हैं तो शो रन राउट, डिफरेंस है दोनों कमांड में। शो रन के बाद देखो आपके पास कितने सारे कीवर्ड अवेलेबल है, जो भी कीवर्ड आप यूज करते हो वो सारे कीवर्ड आपके पास अवेलेबल है, आप कमांड को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं आप शो रन कमांड चलाओ उसके बाद ढूंढो कहां पे आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। यह है समझ में। एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, जो सबसे पहले डिस्कस की थी हमने, ASA का मोड चेक करना है और ASA का टाइप। ASA का मोड चेक करने के लिए कमांड क्या है, शो More। अब ये कमांड नहीं चल रही यहां पे क्यों, क्योंकि ये जो इमेज है ईव के अंदर ये केवल कितने मोड सपोर्ट करती है, एक मोड। कैसा मोड,
सिंगल मोड। अगर आप किसी भी फिजिकल डिवाइस पे कमांड चलाओगे तो कमांड क्या होगी? एक्सेप्ट। ठीक है, जब आपने ASA को यहां पे सिलेक्ट किया था तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे थे, ASAB और ASA। अगर आप ASA सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपकी शो मोड कमांड चल जाएगी। केवल कमांड चला के देखनी हो तो आप 9.1 के साथ बूट करा के देख लें। ठीक है, रियल फिजिकल डिवाइस पे आप हमेशा कौन सी कमांड चला सकते हो? ये वाली कमांड, शो मोड। इससे आप पता लगा सकते हो कि मोड क्या है, सिंगल या फिर सिंगल या फिर मल्टीपल। दूसरी कमांड ASA का टाइप पता लगाने के लिए कि वो राउटेड टाइप है या फिर ट्रांसपेरेंट। कमांड शो फायरवॉल, चेक करते हैं ये कमांड सपोर्टेड है या नहीं। शो, चल गई कमांड। टाइप क्या है? राउटर। इतना क्लियर। अब इस मोड को किस तरीके से बदलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अलग से दो टॉपिक आएंगे हमारे पास, एक तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे ASA के मोड को बदलेंगे, और एक टॉपिक आएगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, इसमें हम ASA का टाइप को चेंज करेंगे। अभी कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ASA का मोड और ASA का टाइप। राइट नाउ आवर ASA इज इन सिंगल मोड एंड राउटेड फायरवॉल। इतना क्लियर। शो को किस तरीके से फिल्टर कर सकते हो, क्लियर। टू क्लियर दी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको राउटर पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करनी है, किस कमांड से करते हो क्लियर? राउटर पे कैसे करते हो क्लियर? राइट इरेज या फिर इरेज स्टार्टअप, हाँ जो भी है, दो कमांड होती है ना आपकी कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करने के लिए। यहां पे कमांड क्या होगी आपकी? क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल। ये कमांड क्या है, कैसी कमांड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कमांड। आप इस कमांड को प्रिविलेज एग्जेक्ट मोड में नहीं चला सकते। अगर आपने ASA पे क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल कमांड चलाई तो ASA क्या करेगा, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉन्फ़िगर की है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। रनिंग, अगर आपने सेव करी है फ्लैश वगैरह में तो वो तो सेव नहीं होगी, सॉरी सेव हो जाएगी। अब जैसे मान लो मैंने ASA पे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, राइट, और कमांड चला दी क्लियर कॉन्फ़िगर, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी आपकी? क्लियर। भाई होस्ट नेम देख लो। तो आप ये बोल सकते हो जो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्लियर करने के लिए, इंस्टेड ऑफ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, टू क्लियर दी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, इसको सिंपल लिख लेते हैं टू क्लियर दी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल। अब जैसे आपके पास शो कमांड के साथ क्या अवेलेबल थे, फिल्टर, कि आपको राउटिंग प्रोटोकॉल चेक करना है तो शो रन राउटर, रनिंग राउट चेक करनी है स्टैटिक राउट शो रन राउट। उसी तरीके से अगर आपको केवल इंटरफेस क्लियर करनी है टू क्लियर दी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और या फिर इसको ये लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरफेसेस, केवल अगर आपको इंटरफेस क्लियर करने हैं तो क्या कमांड होगी, क्लियर कॉन्फ़िगर और जो भी कीवर्ड आप क्लियर करना चाहते हो, क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस। अगर आपने क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस कमांड यूज की तो जितने भी इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर।
इट विल क्लियर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल इंटरफेसेस। अब अगला पॉइंट आप बता दोगे टू क्लियर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर। अगर आपको केवल एक पर्टिकुलर इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करनी है तो क्या कमांड यूज करोगे? क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस, जैसे कि 0x0। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सारी कॉन्फ़िगरेशन को ही क्लियर करो। आपके पास हमेशा क्या ऑप्शन अवेलेबल है? क्लियर कॉन्फ़िगर और वो कीवर्ड। जैसे राउटर पे आपके पास क्या कीवर्ड होता है? नो। जो कमांड आपने चलाई है उसके साथ क्या कीवर्ड लगा दो? नो। वो ऑप्शन तो है ही, लेकिन उससे इजी ऑप्शन है क्लियर कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब जैसे कि आपको राउट कॉन्फ़िगर करना है राउटर, तो चेक करने के लिए कमांड है शो रन राउटर। क्लियर करने के लिए क्या कमांड होगी? अगर मेरे को केवल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर क्लियर करना है तो क्लियर कॉन्फ़िगर राउटर, जो कीवर्ड आप क्लियर करना चाहते हो। अगर मुझे ACL क्लियर करनी है तो क्लियर कॉन्फ़िगर, मतलब ACL नहीं, एक्सेस लिस्ट। ठीक है, अगर राउट क्लियर करने है स्टैटिक, क्लियर कॉन्फ़िगर राउट। ठीक है, क्लियर। ये तो हैं कुछ शो कमांड्स और किस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर कर सकते हो। अभी हमने ऐसे पे सारी चीज क्लियर कर दी, कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है, शो नेम इफ, नेम इफ भी नहीं है और ना ही इंटरफेसेस पे आईपी है। एग्जिट एग्जिट। भाई वापस कैसे आ जाएगी? देखो राउटर पे क्या होता है, अगर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर किया तो ये इफेक्ट जब तक होगा जब तक आप इसको रिलोड नहीं कर देते। अभी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपको वैसी की वैसी दिखाएगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, तो मतलब आपका जो चेंजेस किए हैं वो अप्लाई कब होंगे? जब आप डिवाइस को रिलोड करोगे। ASA पे ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है रिलोड करना। ASA पे आपने कमांड चला दी क्लियर कॉन्फ़िगर, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लियर किया वो क्या हो जाएगी? रिमूव। इट इज नॉट मैंडेटरी टू रिलोड द डिवाइस। जो भी आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करता है, क्लियर दी कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इसको रनिंग मानो या फिर स्टार्टअप। हाँ, जो आप सेव करोगे उसको आप क्लियर कर सकते हो। जो रनिंग है उसको रिलोड किया तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगी वो, तो जो आपने सेव कर रखी है वो। अब मैं भूल गया क्या क्या कमांड बता रहा था। हाँ, पासवर्ड रिकवरी वही है, आप इसको रिलोड करो, कोई ऑप्शन आता है रोमन मोड में जाने का, वहां से आप रिलोड कर सकते, रीसेट कर सकते हो। क्या था आप कमांड? दो कीवर्ड अभी डिस्कस किया हमने, शो रन और क्लियर कॉन्फ़िगर। भूल गया आप मैं क्या कीवर्ड बता रहा था। हाँ, अभी हमने ASA पे एक कमांड चलाई थी क्लियर कॉन्फ़िगर हो, जिससे क्या हो जाएगा? सारी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। एग्जिट एग्जिट, एंटर, सॉरी इनेबल और एंटर। सिस्को ASA इज आस्किंग फॉर इनेबल पासवर्ड। क्या हमने इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया है? नहीं। एग्जिट इनेबल। राउटर पे कोई पासवर्ड नहीं है तो सीधा हम किस मोड में चले गए? प्रिविलेज एग्जेक मोड में। ASA पे भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं है, लेकिन ASA हमेशा क्या प्रॉम्प्ट करेगा? पासवर्ड। नो मैटर इनेबल पासवर्ड इज कॉन्फ़िगर्ड और नॉट, ASA विल ऑलवेज प्रॉम्प्ट द पासवर्ड। ये हमेशा याद रखना।
आखिरी चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद कल करेंगे प्रैक्टिकल। नो मैटर वेदर इनेबल पासवर्ड इज कॉन्फिगर्ड और नॉट, ASA विल ऑलवेज प्रॉम्प्ट फॉर द इनेबल पासवर्ड। इफ पासवर्ड इज नॉट कॉन्फिगर्ड सिंपली एंटर। पासवर्ड हमेशा पूछेगा, पासवर्ड अगर कॉन्फिगर्ड ना हो तो सिंपली क्या कर दो, एंटर। इसका मतलब क्या है, पासवर्ड अभी कुछ भी नहीं है। इतना क्लियर? आप ये जो ऑप्शन है इसको हटा नहीं सकते, बिकॉज इट इज ए सिक्योरिटी डिवाइस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू आस्क द पासवर्ड। पासवर्ड कॉन्फिगर करना है तो कमांड होगी इनेबल पासवर्ड सिस्को 123। अब इनेबल आप एंटर नहीं कर सकते क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, पासवर्ड को सेट। पासवर्ड सेट करने की कमांड वही है। क्लियर? अब इस पासवर्ड को हटा किस तरीके से सकते हैं? क्लियर कॉन्फिगर पासवर्ड। देखो अभी हमने इनेबल पासवर्ड सेट किया किस कमांड से, इनेबल पासवर्ड सिस्को 123। अब ये बताओ इस पासवर्ड को हटाएंगे कैसे? नो इनेबल पासवर्ड करते हैं, सारे ऑप्शन ट्राई करते हैं, नो इनेबल पासवर्ड। चल गई यार कमांड, इनेबल। तो भाई ने जो पहला ऑप्शन बताया वही है, वर्जन बदलते रहते हैं तो कमांड भी बदलती रहती है, पहले नहीं चलती थी क्या भाई? रुक जाओ, लिख तो ले पहले। पहले ऑप्शन क्या है, नो इनेबल पासवर्ड, ये है आपका पहला ऑप्शन। और कोई ऑप्शन बताओ। क्लियर कॉन्फिगर इनेबल, क्लियर इनेबल पासवर्ड नहीं, क्लियर कॉन्फिगर इनेबल। अगर आप क्लियर यूज करोगे तो देख लेते हैं, पर क्या पता क्लियर इनेबल पासवर्ड भी हो। क्लियर इनेबल नहीं, क्या तो क्या हो गया? अब राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फिगर नहीं है तो मैं ये कमांड नहीं चला सकता, कमांड तो चल जाएगी ना। क्लियर कॉन्फिगर चल गई, पहले एक बार इनेबल पासवर्ड सेट कर लेते हैं, इनेबल पासवर्ड सिस्को 123। कमांड चलाते हैं क्लियर कॉन्फिगर इनेबल, वेरीफाई करते हैं, इनेबल हट गया पासवर्ड। तो दो ऑप्शन क्या है, क्लियर कॉन्फिगर, और कोई ऑप्शन बताओ। ये दो ऑप्शन तो हो गए, तिवारी बताएगा भाई पढ़ के आए हो तुम, बताओ मदद करो इनकी। वो तो क्लियर कॉन्फिगर में ही आ गया ना। एक ऑप्शन है इनेबल पासवर्ड और सिंपली आप क्या कर दो, एंटर। ठीक है, पासवर्ड सेट हो गया, कुछ भी नहीं, इनेबल पासवर्ड और एंटर। राउटर पे आप ये नहीं कर सकते, इससे भी क्या कर रहे हो, पासवर्ड को डिफॉल्ट स्टेट पे लगा रहे हो, या फिर मेरे अकॉर्डिंग एक और कमांड होनी चाहिए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट है नहीं। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है कमांड को दोबारा से डिफॉल्ट स्टेट में लाने के, इनेबल के लिए। ASA हमेशा क्या प्रॉम्प्ट करेगा, इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड को हटाने के लिए नो इनेबल पासवर्ड, क्लियर कॉन्फिगर इनेबल, या फिर इनेबल पासवर्ड एंटर। ठीक है, तो अभी हमने केवल एक पार्ट कंप्लीट किया सही से, क्लियर सॉरी कॉन्फिगरिंग इंटरफेस ऑन ASA, और कुछ पार्ट डिस्कस किया अभी शो का। तो कल एक बार शो कमांड दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप कॉन्फ़िगर मोड में भी चला पा रहे हो, तो क्यों चला पा रहे हो, कल हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिफॉल्ट बिहेवियर बहुत जरूरी है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही।